हेलो फ्रेंड्स आज हम लोग रीड करने जा रहे हैं चैप्टर गुलीवर्स ट्रैवल इन दिस चैप्टर वी आर गोइंग टू रीड अ स्टोरी दैट इज नोन एज गर्स ट्रैवल्स एक्चुअली गुलीवर्स ट्रैवल्स इज अ लार्ज कलेक्शन ऑफ स्टोरीज इन विच अ पर्सन नेम्ड गुलीवर ट्रैवल अराउंड द वर्ल्ड एंड ही हैज रिटन हिज एक्सपीरियंसेस इन द फॉर्म ऑफ autobiography here we can see the word autobiography so what is the meaning of autobiography you can see the spelling here what is the meaning of autobiography a u t o b i o g r a p e hy autobiography the other word is biography ek core word hota hai biography what is the meaning of autobiography and biography autobiography means if i myself writing my experiences in the form of a book that is known as autobiography एंड सम्स माई एक्सपीरियंस दैट इज नोन एज बायोग्राफी फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए महेंद्र सिंह धोनी सबको पता है अगर वो अपनी लाइफ के बारे में खुद लिखते हैं तो दैट विल बी नोन एज ऑटो बायोग्राफी लेकिन अगर कोई और महेंद्र सिंह धोनी के बारे में लिखता है सो दैट विल बी नोन एज बायोग्राफी yani if i am writing my experiences then that is autobiography if someone else is writing my experience that is biography okay friends i hope it is clear to you when a person tells the story of his life in his own words it is known as autobiography gulliver a sailor was once caught in the land of giants this is how he describes his experiences okay friends so here are some words which you should write in your new words section what are the words the first word is sailor and the meaning is here this word is here and the meaning is one Who sales, मतलब जो समुद्र की यात्रा करता है दट इज नोन एज सेलर सो गुलर वॉज अ सेलर एंडिंग इज मीन्स वेरी लार्ज पीपल ऑफ वेरी लार्ज साइज सो ही मेट पीपल ऑफ वेरी लार्ज साइज दिस इज हाउ ही डिस्क्राइब हिज एक्सपीरियंस डिस्क्राइब मतलब डिस्क्राइब करना मतलब बताना टू टेल समबडी टू टेल समबडी ओके दैट इज नोन एज डिस्क्राइब्स एंड देन एक्सपीरियंसेस ओके एक्सपीरियंस मींस व्हाट वी फील व्हाट वी आर गोइंग थ्रू हम लोग के साथ जो जो होता है हम उसको एक्सपीरियंस बोलते हैं हम जो फील करते हैं उसको हम एक्सपीरियंस बोलते हैं ऑन द सिक्स ऑफ जून we discovered a land we discovered a land okay what is the meaning of discover cheez koichi's miljana that is known as discover students there are two words one is invention one is invention and the other is discover what is the difference डिस्कवर वॉट इज द डिफरेंस इन्वेंशन मीन्स अगर जब आप कोई नई चीज बनाते हैं दैट इज नोन एज इन्वेंशन वैन यू आर मेकिंग समथिंग न्यू और डिस्कवर मतलब कोई चीज वहां पर पहले से है और आप उसको ढूंढ लें दैट इज नोन एज डिस्कवर ओके फॉर एग्जाम्पल वेन वी आर मेकिंग अ कंप्यूटर दैट इज नोन एज इन्वेंशन ओके वहां पे हम लोग पहले दुनिया में कंप्यूटर नहीं हुआ करते थे फिर हमने कंप्यूटर बनाए सो दैट इज इन्वेंशन लेकिन अगर हम लोग कोई चीज खोज ले जैसे समुद्र के नीचे कोई चीज है वो है पहले से वहां हमने नहीं बनाया उसको लेकिन वी हैव जस्ट फाउंड इट देन दैट इज नोन एज डिस्कवर सो दे डिस्कवर द लैंड ओके डिस्कवर द लैंड आवर कैप्टन सेंट अ डजन मैन विदल्स ऑफ वाटर डीन्स डन द मीनिंग ऑफ डजन इज हम लोग हिंदी में बोलते हैं दर्जन मीन टीज इन दैसे ट्वेल्वन फ्रूट वन डजन पीपल मैन विथ वेल्स फॉर वाटर ओके वॉट इज द मीनिंग ऑफ मैन मैन इज द प्लूरल ऑफ मैन मैन का प्लूरल है मैन मतलब एक आदमी और मेन मतलब बहुत सारे आदमी एक से अधिक आदमी विद वेसल्स फॉर वाटर वेसल्स मींस बर्तन तो पानी का बर्तन लेके ही ए द कैप्टन सेंट डजन मींस विद वेसल्स फॉर वाटर तो कैप्टन ने एक दर्जन यानी बहुत सारे लोगों को भेजा पानी का बर्तन लेके क्योंकि वहां पे शिप पर पानी नहीं था ओके इफ एनी कुड बी फाउंड क्या कुछ कोई पानी मिलता है यानी बोलो लैंड पर पहुंचे तो वहां वो लोग पानी ढूंढने के लिए गए पानी क्यों नहीं था वो लोग तो समुद्र के बीच में ट्रेवल कर रहे थे बिकॉज यू कैन नॉट ड्रिंक द वॉटर फ्रॉम ओशन इट इज वो नमकीन पानी होता है खारा पानी होता है आप उसको पी नहीं सकते ओके सो यू हैव टू फाइंड फ्रेश वाटर फॉर ड्रिंकिंग यू हैव टू कैरी फ्रेश वाटर फॉर ड्रिंकिंग विद यू वेन वी केम टू लैंड वी सॉ नो रिवर और स्प्रिंग नॉर एनी इनहेबिटेंट्स तो so no river, कोई रिवर river हमने नहीं देखा कोई स्प्रिंग वहां पर नहीं देखा एंड एनी नो एनी इनहेबिटेंट्स इनहेबिटेंट्स मतलब वहां पर रहने वाले लोग और न हमें उस जमीन पर कोई रहने वाले लोग ही दिखाई दिए आई वेंट ऑन टू एक्सप्लोर एक्सप्लोर मीन टू सर्च मोर टू फाइंड मोर तो अभी हमने जमीन पर गए वहां पे छोटे से ज, ये लोग ट्रेवल कर रहे थे वहां पर इनको छोटा सा एक लैंड दिखा तो फिर ये लोग आए उस लैंड के पास आए यहाँ पर इन लोगों ने अपने आदमियों को भेजा इस लैंड के ऊपर कि जाओ देखो पानी है या नहीं है पानी तो नहीं दिखा न कोई नदी दिखी ना कोई स्प्रिंग दिखा कोई झरना भी नहीं दिखा और ना ही कोई और इंसान दिखे उस पर तो ये लोग क्या हुआ ये ये जो हमारा गुलीवर है ये आगे उनको एक्सप्लोर करने के लिए आगे भी बढ़ गया कि देखते हैं इस जमीन पर और क्या अभी ये लोग किनारे पर थे फिर ये थोड़ा आगे अंदर की तरफ बढ़ गया देखने के लिए कि देखते हैं इस जमीन पर आगे है क्या द कंट्री दंट्रीन एंड रॉकी इट बैरन मीन्स कोई ज्यादा वेजिटेशन नहीं कोई पेड़ ज्यादा पेड़ पौधे नहीं और रॉकी और पत्थर थे क्योंकि आप कभी कभी देखते होंगे पत्थर पे ज्यादा पेड़ पौधे नहीं उगते हैं तो वैसा ही ये जमीन थी आई टर्न बैक टू ज्वाइन क्रू पीछे मुड़ा अपने क्रू को ज्वाइन करने के लिए क्रू के साथ होने के लिए क्रू मतलब जो लोग शिप को चलाते हैं उस ग्रुप को हम लोग बोलते हैं क्रू तो ये लोग आए थे पानी लेने क्रू इनका लेकिन वहां पानी नहीं मिला ये थोड़ा आगे बढ़ गया फिर ये वापस मुड़ा अपने क्रू को ज्वाइन करने के लिए लेकिन वो क्या देखता है ओनली टू सी देम गेटिंग इन टू द बोट एंड रोइंग फॉर लाइफ टू गेट द शिप वो देखता है कि वो लोग भागे भागे एक नाव में बैठ जाते हैं और जल्दी जल्दी शिप की तरफ भागे जा रहे हैं बिफोर आई कुड रीच देम आई ऑब्जर्व अचर वॉकिंग आफ्टर देम इन दी एस एज ही इससे पहले कि मैं उनको ज्वाइन कर पाता ये क्या देखते हैं ऑब्जर्व ऑब्जर्व मतलब देखना a huge creature, एक बहुत बड़ा कोई इंसान कोई बहुत बड़ी चीज कोई वॉकिंग टूवर्ड्स देम उनकी तरफ बढ़ रहा था इन द सी एज As he could. समुद्र में जितनी तेजी से वो जा सकता था नहीं। उनको पकड़ने की कोशिश कर रहा था क्रू विच इज रनिंग टूवर्ड्स दिप हियर इज द शिप ओके शिप उन्होंने यहां खड़ा किया है और यहां पर क्रू भागे जा रहे हैं किसकी तरफ अपनी शिप की तरफ अपनी जान बचाने के लिए i turned back quickly and climbed up the hill with fields of barley on either side ठीक है i वो जल्दी से पीछे मुड़कर कहीं छिप गया कहां छिप गया he climbed up a steep hill वो एक पहाड़ी पर चढ़ गया with fields उस पहाड़ी पर क्या था बहुत सारे खेत थे इस चीज के कॉर्न कॉर्न मींस मक्का भुट्टा राइजिंग इन अप टू 40 फीट 40 फीट ऊंचे ऊंचे पेड़ थे देयर वॉज अ फेंस टू पास फ्रॉम वन फील्ड टू अदर और एक फील्ड से दूसरे फील्ड के बीच में एक फेंस लगा हुआ था फेंस मतलब क्या होता है बाड़ा घेरा इसे अगर दो खेत हैं एक खेत ये एक खेत ये तो इनकी जो बाउंड्री की जाती है खेत की या किसी भी लैंड की दैट इज नोन एज फेंसिंग फेंस ओके एफ ई एन सी फेंस ओके तो खेते पे बाउंड्री की गई थी देअर वॉज अ फेंस It was impossible for me to climb because every step was six feet high and it was impossible for him to climb. I was trying to find a gap in the hedge when I discovered one of the inhabitants in the next field walking towards the fence. गैप तो दैट फेंस जो लगा था वेरी हाई फॉर हिम टू क्लाइंब सो ही छोटा सा गैप कोई छेद हो उस फील्डिंग हुई है तो इसके बीच में कहीं कोई गैप मिल जाए क्योंकि इसकी ऊंचाई बहुत ज्यादा थी तो नीचे से जैसे चूहे निकलते हैं किसी गैप से उस तरीके से कोई गैप मिल जाए तब तक ये क्या देखता है ही डिस्कवर्ड वन ऑफ द इनहेबिटेंट्स इन द फील्ड वॉकिंग टूअर्ड्स द फेंस जो कि फेंस की तरफ बढ़ रहा था वॉज ऑफ द सेम साइज एज द क्रीचर चेजिंग द बोट वो उसी साइज का था सेम साइज एज द क्रीचर चेजिंग द बोट जो कि चेज मतलब करना पकड़ना किसी चीज को पकड़ना दौड़ाना ठीक है उसको पाने की कोशिश करना तो जैसे ही चेज कर जो आदमी चेज कर रहा था बोट को हमने अभी देखा ऊपर वो उसी साइज का एक और आदमी इनको फील्ड में दिखाई दिया खेत में आई वॉज स्ट्रक्ट विथ अटमोस्ट फियर एंड एंड एस्टॉनिशमेंट एंड रैन टू हाइड माई सेल्फ ये इट वॉज स्टक ये बिल्कुल भी अचंबित रह गया एस्टॉनिशमेंट मीन्स अचंबित रह जाना आश्चर्य और फियर मीन्स डरना तो एक तो ये बहुत डर गया और आश्चर्य से भर गया एंड रैन टू हाइड माई सेल्फ और दौड़ कर कहीं छिप गया जैसे कभी कभी आप चूहे को देख लेते हैं चूहा दौड़ के छिप जाता है, उसने ऐसी आवाज में बात की, which is much louder, तेज थी, थी, मतलब से भी भारी आवाज लगी उसकी साउंडेड लाइक थंडर ऐसा लगा जैसे बादल गरज रहे हो थंडर ओके बादल गरजना सेवन मॉन्स्टर्स लाइक हिम केम टूअर्ड्स द फील्ड रेडी टू रीप द कॉर्न और सेवन मॉन्स्टर्स मॉन्स्टर मीन्स बड़े बड़े आदमी उसी के जैसे लाइक हिम केम टूवर्ड्स द फील्ड टू रीप द कॉर्न फील्ड में आ गए टू रीप द कॉर्न रीप मतलब काटना कोई फसल खड़ी हो तो उसको काटने को बोलते हैं रीप करना ओके दे कैरीड अ रीपिंग हुक विच वॉज वेरी बिग दे वर कैरिंग अ रीपिंग लाइक दिस आप देखा होगा वी आर ऑल्सो से उसी से काटते हैं तो, okay? तो, इनका सब कुछ बड़ा था इनका जो भी ये सामान यूज कर रहे थे इनका साइज इनके हिसाब से था तो दैट रीपिंग हुआ आई ले हिडन i screamed जब इसमें से एक रीपर उस तरफ आया जहां पर ये छिपा हुआ था तो ही screamed screamed मतलब चिल्ला दिया इसने चिल्ला दिया as loud as i could जितना तेज मैं चिल्ला सकता था मैं चिल्ला दिया द क्रिएचर स्टॉप रीपिंग जब इसने चिल्लाया तो क्रिएचर ने नोटिस कर लिया उसने रीपिंग स्टार्ट की picked me up between his thumbs and four fingers मुझे अपनी उंगलियों और अंगूठे से पकड़कर उठा लिया पिक pick करना पिक्ड मी अप उठाना ओके okay? और बिटवीन मतलब बीच में तो अंगूठे थंब एंड फोर फिंगर के बीच में पकड़कर मुझे उठा लिया एंड ब्रॉट मी क्लोज टू हिज आईज अपनी आंख के पास लाकर ध्यान से देखने लगा सिक्सटी फीट अब द ग्राउंड एंड ही वही पिक्ड द मैन ही पिक्ड द गुलिवर सिक्सटी फीट अब द ग्राउंड ही लुकड एट मी विथ क्यूरियोसिटी उसने मुझे बहुत क्यूरियोसिटी के साथ देखा क्यूरियोसिटी मतलब जैसे जैसे जिज्ञासा अरे अरे ये क्या चीज़ है? अरे क्या है ये क्या क्या चीज है है तो इस हमारे मन में जो क्वेश्चन आता है ये क्या है क्यूरियोसिटी जानने की इच्छा दैट इज नोन एज क्यूरियोसिटी एंड ब्लू माई हेयर्स असाइड टू गेट अ बेटर व्यू ऑफ माई फेस और फूक करके मेरे बालों को पीछे कर दिया ताकि मेरा चेहरा वो और अच्छे से देख सके ही कॉल्ड हिज फ्रेंड्स एंड जेंटली प्लेस्ड मी ऑन द ग्राउंड ही कॉल्ड हिज फ्रेंड्स मतलब उसने अपने दोस्तों को बुलाया एंड जेंटली प्लेस्ड जेंटली मतलब बहुत धीरे से हौले से ध्यान से प्लेस्ड मी ऑन द ग्राउंड बहुत धीरे से मुझे जमीन पर रख दिया दे ऑल सेट अ ग्राउंड वो सब ग्राउंड पर बैठ गए टू टेक गुड लुक एट मी मुझे ध्यान से देखने के लिए ग्राउंड पर बैठ गए जैसे कोई इंटरेस्टिंग चीज मिल गई वो आप सभी अपने फ्रेंड्स को बुलाकर बैठ जाते हैं और देख करने लगते हैं या देखने लगते हैं वैसा है आई वॉक स्लोली बैकवर्ड एंड फॉरवर्ड मैं धीरे धीरे आगे पीछे होकर अपने आप को संभाल रहा था पुल्ड ऑफ माई हैड एंड मेड अ लो बो टूअर्ड्स द फार्मर अपना हैड निकाला और लो बो लो बो मीन्स थोड़ा झुकना ओके okay, जैसे आप किसी का वेलकम करते हैं अपना हैट निकाल कर थोड़ा झुक कर करते हैं तो वैसा ही टुवर्ड्स द फार्मर फार्मर को देकर इसने किया गुलिवर ने किया आई ट्राई टू स्पीक टू देम लाउडली इन सैवरल लैंग्वेज मैंने उनको अलग अलग भाषाओं में बात करने की कोशिश की ईच टाइम आई डिड सो फार्मर हु पिक्ड मी हियर वेरी क्लोज टू मी बट इन वेन तो जब भी मैं ऐसा करता तो जिस फार्मर ने मुझे उठाया था पिक्ड मी अप ठीक है जिसने मुझे उठाया था हेल्ड हिज ears वेरी क्लोज हेल्ड हिज ears वेरी क्लोज मतलब मेरे बहुत ही पास क्लोज मतलब पास ठीक है बिल्कुल पास आ जाना उसको बोलते हैं क्लोज तो उसने मेरे पास बहु, अपना कान लाकर मुझे सुनने की कोशिश की बट इन वेन बट इन वेन मतलब लेकिन कोशिश सफल नहीं हुई बेकार गई कोशिश ठीक है यानी सुन नहीं पाया वो द फार्मर टुक मी टू हिज हाउस एंड प्लेसड मी एट समिस्टेंस ऑन द डाइनिंग टेबल मुझे अपने घर ले गया वो फार्मर अपने डाइनिंग टेबल पर मुझे थोड़ी दूर पर रख दिया विच वॉज थर्टी फिट हाई फ्रॉम द फ्लोर विच वॉज थर्टी फिट हाई डिनर वॉज ब्रॉड फॉर द फार्मर इन अ डिश विच वॉज टेन फीट इन डायामीटर तो फार्मर के लिए एक डिश में डिनर लाया गया जिसका डायामीटर था टेन फीट ओके द फार्मर वाइस क्रम्बल्ड सम ब्रेड एंड प्लेस डिट बिफोर मी फार्मर की वाइस ने फार्मर की वाइफ ने कुछ ब्रेड के टुकड़े मेरे सामने रख दिए जैसे हम लोग कभी चूहों के सामने या कभी डॉग्स के सामने ऐसा रख देते हैं बिल्कुल वैसा ही वो मेरे सामने उसने ब्रेड्स के टुकड़े कुछ करके मुझे सामने रख दिए इन द मिडिल ऑफ द डिनर आई हर्ड बिहाइंड मी मुझे एक आवाज मेरे पीछे सुनाई दी नॉइस मतलब आवाज ओके इट वॉज द परिंग ऑफ अ कैट दैट वॉज टेन टाइम्स लार्जर देन एक्स ये एक परिंग थी एक कैट की आवाज थी जो कि एक ऑक्स यानी बैल से भी दस गुना बड़ी थी बहुत बड़ी कैट थी इसके लिए बहुत बड़ी कैट थी गलीवर के लिए द फार्मर वाइफ वॉज स्ट्रोकिंग हिम फार्मर की वाइफ उसको स्ट्रोक कर रही थी यानी सहला रही थी देन एंटर द फार्मर वन सन ओल्ड इन द आर्म्स ऑफ अ लेडी उसके बाद फार्मर का एक साल का बच्चा सन आता है जो कि उस लेडी के गोद में है ऑन सींग मी द चाइल्ड ग्रैब्ड मी फ्रॉम द टेबल एंड पुट माई हेड इन टू हिज माउथ मुझे देखकर चाइल्ड ने मुझे ग्रैब कर लिया यानी कसकर पकड़ लिया

I would have broken my neck if the mother had not held her apron under me। उस बच्चे ने गुलिवर को ऐसे गिराया कि अगर माँ ने जो मदर थी जो लेडी थी, उसने अपना एप्रन से इसे बचाया नहीं होता, तो इसका नेक टूट गया होता। Later she put me on her own bed and covered me with a clean white handkerchief। उसके बाद उसने मुझे अपने बेड पर सुला लिया और एक हैंकर चीफ एक रुमाल से मुझे कवर कर दिया। आई स्लेप्ट ड्रीमिंग ऑफ माई होम माई वाइफ एंड माई चिल्ड्रन मैं अपने घर अपने बच्चे अपनी वाइफ के बारे में ड्रीम करता हुआ सपने देखता हुआ सो गया स्लैप स्लेप्ट मीन स्लीप का फास्ट फॉर्म मैं सो गया ओके आई होप फ्रेंड्स आपको रीडिंग समझ में आई होगी जो भी डिफिकल्ट वर्ड्स लगे हैं हम लोग इसको डिस्कस कर लेंगे अगर फिर भी कोई चीज समझ नहीं आए तो प्लीज कमेंट कर, कर हमें जरूर बताइए